जुलाई 2023 में मणिपुर राज्य से आई हिंसा की खबरें चिंताजनक है। खासकर महीने के आखिरी 10 दिनों में मणिपुर का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुकी समुदाय के दो महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना साफ दिखती है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में इसे लेकर न्याय की मांग की जा रही है। इसी बीच मणिपुर से संबंधित कई गलत खबरें भी शेयर की गई। ऑल्ट न्यूज जुलाई महीने में सोशल मीडिया पर किए गए अलग अलग दावों का फैक्ट चेक आपको इस मंथ राउंड अप वीडियो में संक्षिप्त में बताएगा। मणिपुर राज्य में मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना, जिसमें कुकी समाज की दो महिलाओं को नग्न कर परेड करवाई गई थी। कई प्रमुख लोगों ने इस घटना की आलोचना की और इसके मद्देनजर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। जब मैं आपके बीच आया इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मणिपुर पुलिस ने इस मामले पर अपडेट देते हुए 20 जुलाई को बताया कि इसके संदर्भ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसी दिन मणिपुर पुलिस ने अब्दुल हलीम नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की खबर दी। इन दो ट्वीट्स के बाद ANI ने दावा किया कि अब्दुल हलीम को दो कुकी महिलाओं के साथ हुए अपराध के सिलसिले में अरेस्ट किया गया है। कई राइट विंग यूजर्स और मीडिया संगठनों ने यही दावा किया। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि अब्दुल हलीम को एक अन्य अपराध के सिलसिले में अरेस्ट किया गया था। घटना की सच्चाई सामने आने के बाद ANI ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। कई यूजर्स ये वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मणिपुर में कुकी समुदाय के लोग खुलेआम मैतेई लोगों के जनसंहार के नारे लगा रहे हैं। वीडियो के बारे में पता लगाते हुए हमें ये YouTube वीडियो मिला, जिसके टाइटल में लिखा है मणिपुर में फासीवादी शासन के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन। इस रैली पर रिपोर्ट करते हुए कई मीडिया संगठनों ने बताया कि डेविड नाम के एक युवक की हत्या के विरोध में चूरा चांदपुर में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। मणिपुर के स्थानीय निवासी ने ऑल्ट न्यूज को वीडियो में सुनाई देने वाली बोली की ट्रांसक्रिप्ट भी भेजी। इससे साफ हो जाता है कि ये वीडियो मणिपुर में युवाओं की हत्या के विरोध में निकाली गई रैली का है, लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्ट बदल कर गलत दावे किए गए। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि पुणे में एक तरफा प्यार के सिलसिले में एक जिहादी ने लड़की पर हमला किया। ऐसे ही दावे के साथ ये वीडियो आरोपी लड़के को मुस्लिम बताते हुए शेयर किया गया। ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के बारे में छानबीन शुरू की। NDTV की इस रिपोर्ट में आरोपी की पहचान शांतनु लक्ष्मण जादव के रूप में की गई है। वही घटना कुछ इस प्रकार है कि 27 जून को पुणे में 21 साल के आरोपी ने पीड़िता पर चाकू से हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने लड़के से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि उसका व्यवहार ठीक नहीं था। इस बात से लड़का नाराज था और उसने लड़की पर हमला कर दिया। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोकने वाले पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। तफ्तीश करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये घटना नवंबर 2022 में दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में हुई थी। पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ खान ने राज्य चुनाव आयोग से परमिशन लिए बिना ही अपनी बेटी अरिबा खान के समर्थन में एक सभा आयोजित की थी, और इस वजह से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी।
मामले को लेकर पब्लिश की गई रिपोर्ट्स और एफआईआर की कॉपी में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने की कोई बात सामने नहीं आई है। न्यू ग्लोबल टाइम्स समेत कई वेरिफाइड हैंडल्स पॉपुलर पैरोडी ट्विटर हैंडल रोफेल गांधी को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि वो एक पुराने बलात्कार के मामले के आरोपी है। हमने रोफेल गांधी उर्फ सुनील से इस मामले के बारे में कॉन्टेक्ट किया, जिन्होंने हमें अपनी निजी डिटेल्स भेजी। कथित मामले में आरोपी सुनील शर्मा और रोफेल गांधी अकाउंट चलाने वाले सुनील की डिटेल्स को कंपेयर करने पर हमने पाया कि इनके पिता के नाम और एड्रेस अलग अलग है। यानी रोफेल गांधी अकाउंट चलाने वाले को झूठे तौर पर बलात्कार के मामले का आरोपी बताया गया। सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि कावड़ियों के बीच में एक मुस्लिम दंपत्ति जबरदस्ती गाड़ी लेकर घुसे, जिसके बाद कावड़ियों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। द क्विंट और जी सलाम ने भी इस वीडियो के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश की और कहा कि मुस्लिम व्यक्ति को कावड़ियों ने पीटा। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि वीडियो में दिख रहा शख्स प्रताप सिंह है और वो हिंदू है न कि मुस्लिम। ये घटना उत्तराखंड के हरिद्वार में मंगलोर थाना क्षेत्र में हुई थी। वहीं इस घटना के बारे में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने ये कहा, जो कावड़िए थे और जो वादी जो हमारे प्रताप सिंह जो यहाँ के निवासी रहने वाले वो भी हिंदू थे और उनके द्वारा भी इस मामले में तहरीर दी गई थी थाने पर, जिसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। साथ ही साथ दो लोग को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिनको शांति भवन में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष और आवश्यक कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी हमने ऐसे पाप जो वहां मचा रहे थे उनकी चिन्हित करके आगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विगत एक दिवस से देखा जा रहा है कि उस जो घटना हुई थी, जो मात्र एक संयोग थी, छोटी सी घटना हो गई थी, उसको अन्य तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग द्वारा सांप्रदायिक कमेंट किया जा रहा है, विभिन्न धर्म जाति को लेकर इसमें उसको तूल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों पक्ष जो हिंदू पक्ष थे, लेकिन फिर भी इस छोटी घटना को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए इसको प्रसारित किया गया और साथ ही साथ उसमें कमेंट भी ऐसे लिखे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं तेजरा और विभिन्न जाति धर्मों में द्वेष पैदा करते हैं। इसके आधार पर आज थाना मंगलौर में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है 153 का के तहत। मेरी अपील है सभी से, जो ऐसे सांप्रदायिक कमेंट कर रहे हैं या पूरी घटना की सत्यता को नहीं जानते हैं, वह जान लें और उसके बाद अपने ऐसी पोस्ट को डिलीट कर दें जो सांप्रदायिकता और माहौल बिगाड़ने का कोशिश होगी। नहीं तो इस पर सभी के विरुद्ध जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि गुरुग्राम में एक अब्दुल ने हिंदू लड़की की हत्या कर दी। ऐसे ही सांप्रदायिक दावे के साथ ये वीडियो खूब शेयर किया गया। घटना कुछ यूं थी कि इस पीड़िता और लड़की की 4 महीने पहले सगाई हुई थी, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। इसी मनमुटाव के कारण आरोपी लड़के ने लड़की की हत्या कर दी थी। एफआईआर कॉपी में आरोपी का नाम राम कुमार बताया गया है। वहीं पूरी वारदात के बारे में गुरुग्राम पुलिस ने ये बयान दिया था। 10 जुलाई को लगभग 11-12 बजे की ये घटनाक्रम है। कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस स्टेशन पालम विहार के पास ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस दौरान मौके पर जब पहुंच के इस बात की पुष्टि हुई कि 19 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई है। हत्या करने का जिस आरोप है उसका नाम राम कुमार बताया गया है। राम कुमार सन ऑफ सूरजपाल, ये दोनों ही मुलाहेड़ा के रहने वाले थे और राम कुमार का और उस युवती के बीच में लगभग 4-5 महीने पहले इनकी सगाई हुई थी और आपसी मनमुटाव करके इनकी सगाई टूट गई और उन ग्रजिस के करके, उस मनमुटाव के करके इस युवक ने, जो राम कुमार है, इसने परिवार पर प्रेशर बनाया। तिरंगे पर से गाड़ियों के गुजरने की इस घटना को केरल का बताते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करने की मांग की। वहीं ये वीडियो पिछले साल तमिलनाडु का बताते हुए शेयर किया गया था। बहरहाल मार्च 2020 के इस ट्वीट में ये वीडियो पाकिस्तान का बताया गया है। साथ ही वीडियो में सनम नाम की ये दुकान नजर आती है। ये शॉप पाकिस्तान के कराची में मौजूद है। वहीं वीडियो में दिखने वाली लोकेशन कराची की सनम नाम की इस दुकान के आसपास की जगह से मेल खाती है। यानी ये वीडियो पाकिस्तान के कराची का है, न कि केरल या फिर तमिलनाडु का। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश से जोड़कर ये वीडियो काफी शेयर किया गया। इसे बोरीवली ईस्ट की घटना बताया गया। हालांकि वीडियो की लोकेशन वेरीफाई करते हुए हमें मालूम हुआ कि ये घटना तमिलनाडु में हुई थी। अगस्त 2022 की इस रिपोर्ट में इस घटना के बारे में ये बताया गया था। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार ने 15 जुलाई को ये दावा ट्वीट किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मिड डे मील की महिला वर्कर्स के चूड़ी पहनने पर बैन लगा दिया।
उन्होंने इस कदम को हिंदू धर्म की प्रथाओं को दबाने की एक कोशिश बताया। लेकिन मामले की तह तक पहुंचकर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये आदेश पीएम पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इस दावे को खारिज करते हुए ये ट्वीट किया था। वहीं पीएम पोषण स्कीम की गाइडलाइंस में भी इस आदेश के बारे में बताया गया है। लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी थियोरी के बारे में तो आपने अक्सर सोशल मीडिया पर या फिर कई बार मेनस्ट्रीम मीडिया पर सुना ही होगा। हालांकि फिलहाल भगवा लव ट्रैप के नाम से भी एक ऐसी ही थियोरी चर्चाओं में है। कई मुस्लिम ग्रुप्स के बीच ये थियोरी काफी लोकप्रिय बनती जा रही है। लव जिहाद की तरह ही इस कॉन्स्पिरेसी थियोरी में माना जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के मुस्लिम धर्म से दूर रखने के लिए संबंध बनाते हैं। इस कॉन्स्पिरेसी थियोरी को किस तरह प्रसारित किया जा रहा है, इस बारे में ऑल्ट न्यूज ने डिटेल में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसे आप हमारी वेबसाइट्स पर पढ़ सकते हैं।